हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सफ़ेद दाग के बारे में आप सब ने सुना होगा और आसपास सफ़ेद दाग के लोगों को भी देखा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम भी हो सकते हैं इसके शिकार, या फिर सफ़ेद दाग किसे और क्यों होता है। तो आइए जानते हैं, सफ़ेद दाग जिसे मेडिकल की भाषा में विटिलिगो यानी ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, असल में ये त्वचा से संबंधित एक रोग है जिसका खान पान से कोई संबंध नहीं है। त्वचा में सफ़ेद दाग तब बनने लगते हैं जब रंग उत्पादन करने वाली कोशिका मतलब मिलेनोसाइट्स, जो हमारे बाल, त्वचा, होंठ आदि को रंग प्रदान करती हैं, वे काम करना बंद कर देती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। इस रोग में त्वचा का हल्का पड़ जाना है या सफ़ेद हो जाना है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम खुद रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। अभी तक आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मछली खाने के बाद तुरंत दूध मत पीना वरना सफ़ेद दाग पड़ जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सफ़ेद दाग से जुड़े मिथक और हकीकत सच हैं या झूठ। नंबर एक, सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है जो भोजन से संबंधित बिल्कुल नहीं है। फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने नकार दिया और कहा कि मछली खाने के बाद दूध पीने से सफ़ेद दाग पड़ने की बात पूरी तरह से मिथक है, क्योंकि सफ़ेद दाग असल में त्वचा से संबंधित एक रोग है। नंबर दो, सफ़ेद दाग वाले लोग मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पूरी तरीके से त्वचा तक सीमित होता है और शरीर के किसी अन्य अंग को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करता। नंबर तीन, सफ़ेद दाग एक प्रकार का कुष्ठ रोग है और दूसरे में भी फैलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कुष्ठ रोग नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, इसलिए स्पर्श, रक्त संभोग, सांस लेना, तौलिए का साझा करना या पानी पीने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। नंबर चार, सफ़ेद दाग लाइलाज बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज संभव है एक नवीनतम टेक्निक जिसका नाम है मेलेनाइट ट्रांसमिशन। इसमें सामान्य त्वचा से केवल मिलेनोसाइट्स निकाला जाता है और विटिलिंगियस स्पॉट्स पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तक आप जान गए होंगे कि विटिलिगो इन्फेक्शियस डिजीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर आपके आस पड़ोस में या दोस्तों में कोई इस परेशानी से ग्रसित है तो दूरी बनाकर उसकी भावना को ठेस न पहुँचाएँ, वो भी आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं। विटिलिगो का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, हालांकि यह आनुवंशिक या एवं पर्यावरणीय कारकों के संयोजन का परिणाम पाया गया है, क्योंकि कुछ परिवारों में विटिलिगो को बढ़ते हुए देखा गया है। और भी दूसरे कारण जैसे मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं पर प्रतिरोधकता का प्रभाव, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव, अत्यधिक तनाव, विटामिन B12 की कमी, त्वचा पर किसी प्रकार का संक्रमण होना, ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि थायराइड या टाइप 1 डायबिटीज का प्रभाव, सनबर्न, औद्योगिक केमिकल्स इत्यादि पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे सफ़ेद दाग के कुछ मिथक और सच्चाई जिससे मैंने आपको इस वीडियो में वाकिफ कराया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस टॉपिक पर आप भी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। बाय दोस्तों, टेक केयर।